हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम समिट्स देखने वाले हैं 2023 की। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड COP28 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। COP28 कहाँ पर हुई 2023 में हुई? ये हुई UAE में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें। तो 2023 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, या जिसे COP28 कहते हैं, नवंबर और दिसंबर में ये हुई। 30 नवंबर स्टार्ट हुई, 13 दिसंबर तक रही। कहाँ पर हुई? दुबई में एक्सपो सिटी में हुई। प्रेसिडेंट कौन थे? सुल्तान अल जबेर। और पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ वो सारी हैं जो UNFCCC की मेंबर्स हैं, ठीक है। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सारे मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं पार्टिसिपेंट्स के रूप में। भारत भी शामिल हुआ था और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी गए थे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आउटकम्स निकल कर आए COP28 के। तो पहली चीज़ है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये इस चीज़ पर बात हुई और एम रखा गया नेट ज़ीरो एमिशन का बाय 2050। फिर ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और डबल एनर्जी एफिशिएंसी पर बात की गई और इसके लिए टारगेट रखा गया 2030 तक का। ऑयल एंड गैस कंपनीज़ ने कमिट किया है टू लोअर मीथेन एमिशन और एम रखा गया है नियर ज़ीरो मीथेन एमिशन का बाय 2030। ग्लोबल कूलिंग प्लेज इसमें लिया गया और ये जो इनिशिएटिव है 60 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है और इसके तहत 2050 तक 68% कूलिंग रिलेटेड एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। फिर कुछ और की पॉइंट्स हैं, जैसे ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव भी इसमें लिया गया, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया COP28 में ही, और इसका पर्पस है टू बूस्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन एक्सेट्रा। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? इस समिट को इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है, PM मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था, GPAI समिट को, और नई दिल्ली में भारत मंडपम में बेसिकली ये समिट रखा गया। विच कंट्री टू होस्ट 23rd IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, होस्ट कंट्री है श्रीलंका 2023 से 2025 तक के लिए। इसमें टोटल 23 कंट्रीज शामिल हैं IORA में, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडियन ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। हेडक्वार्टर IORA का मॉरिशस में है और सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अल फारिसी। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023? इस समिट को जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया। थीम इसकी रखी गई है अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। सिक्स्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच सिटी? ISA की सिक्स्थ असेंबली नई दिल्ली भारत मंडपम में हुई, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और इसको प्रिजाइड किया गया RK सिंह के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ISA की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में ये फॉर्म किया गया था नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। COP21 जो पेरिस में हुआ था उसी के साइडलाइंस पर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, भारत में, और डायरेक्टर जनरल हैं इसके अजय माथुर। अब मेंबरशिप इसकी कौन ले सकता है? तो UN के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सन के डायरेक्ट एरिया में आने वाले देश इसमें शामिल हों, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मेंबर हैं वो सभी शामिल हो सकते हैं। विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल्स इवेंट? इस इवेंट को इंडिया ने होस्ट किया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत टेक्स 2024 इसका नाम है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होस्ट किया इंडिया ने। विच सिटी होस्टेड 141st IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन? तो इस सेशन को मुंबई में होस्ट किया गया है और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। IOC की बात की जाए तो 1894 में ये फॉर्म किया गया था, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। देयर इज़ द 18th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड। ईस्ट एशिया समिट कौन सा एडिशन है इसका? 18th है और ये जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिली। इंडिया की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ईस्ट एशिया समिट एक रीजनल फोरम है जिसमें टोटल 18 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसमें एक मेंबर है। 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल्स समिट हेल्ड इन विच सिटी? तो इसका 14th एडिशन है ग्लोबल स्किल्स समिट का और ये नई दिल्ली में देखने को मिला भारत के अंदर। इस समिट की थीम क्या रखी गई है? बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 43rd आसियान समिट 2023? आसियान समिट 43rd एडिशन इसका होस्ट किया गया इंडोनेशिया के द्वारा। एडिशन याद रख लीजिएगा,
जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ ये। आसियान थीम इसकी है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, और होस्ट लीडर कौन थे, तो इंडोनेशिया में हुई ये समिट तो वहीं के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, जो कि इसके होस्ट लीडर थे। अब यहाँ पर आसियान के बारे में बेसिक चीज़ देख लेते हैं। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसको फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, जहाँ पर अभी इसका समिट हुआ है। ट्रिक भी याद रख सकते हैं इसकी, इसमें कितने मेंबर्स हैं, टोटल 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट कौन सा मेंबर है, ईस्ट तिमोर है जो रिसेंटली इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले 10 मेंबर्स थे, 10 मेंबर्स की जो ट्रिक है वो यहाँ पर दी गई है। MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज, मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, ये 10 मेंबर्स हैं। और 11th आपको याद रख लेना है, ईस्ट तिमोर है जो कि 11th मेंबर है रिसेंटली, और न्यूली जो मेंबर है इसमें शामिल हुआ है वो है ईस्ट तिमोर, ठीक है। और मैप में यहाँ पर ये सारी कंट्रीज मेंशन की गई हैं, ईस्ट तिमोर इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा 10 मेंबर्स जो हैं इसके वो सभी ये मैप में दिखाए गए हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं मेन सारी वो इसमें शामिल हैं। विच कंट्री होस्टेड 15th ब्रिक्स समिट 2023, 15वीं ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट की गई। इस समिट को प्रेजाइड किसने किया, तो इसके चेयरपर्सन थे सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। इंडिया से हमारे प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। थीम इस बार की रखी गई थी ब्रिक्स इन अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। 6 नेशन अभी रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है, 6 नेशन कौन से हैं, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथियोपिया। तो ब्रिक्स जिसमें अभी तक सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें ये 6 कंट्रीज़ और शामिल हो जाएंगी और अब मेंबर कंट्रीज़ हो जाएंगी 11। यहाँ पर मैप में शो किया गया है, ये जो ब्लू कलर की कंट्रीज़ दिख रही हैं ये ऑलरेडी इसका पार्ट हैं ब्रिक्स का, और ये जो स्काई ब्लू में है ये पार्ट बनने वाली हैं। 1 जनवरी 2024 तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, इनका मेंबर बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया 5 कंट्रीज़ हैं इसमें। 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिक्स को, हेडक्वार्टर है शंघाई में, ठीक है। 5 कंट्रीज़ मेंबर हैं और नेक्स्ट ईयर की 2024 की ब्रिक्स समिट रशिया के द्वारा होस्ट की जाएगी, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ हैं। विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2023, तो G20 समिट 2023 की कहाँ हुई है, भारत में हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एडिशन याद रखना है इसका, 18th एडिशन था, भारत में हुई, भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर इसको किया गया था मेन इवेंट को। 9 और 10 सितंबर को हुई थी और इसको किसने चेयर किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। G20 के बारे में यहाँ चीज़ें देख लेते हैं। G20 जो है अब G21 बन गया है, क्योंकि एक और यूनियन इसमें शामिल हो गया है, अफ्रीकन यूनियन। अभी तक 19 कंट्रीज़, एक यूरोपियन यूनियन था और अब अफ्रीकन यूनियन भी है, तो अब हो गया G21। एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया तभी से इसका मेम्बर है, ठीक है। 2022 में ब्रिक्स G20 समिट हुई इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में हुई है और नेक्स्ट ईयर होगी ब्राज़ील में। ये हैं अब सारी G20 कंट्रीज़, जर्मनी, USA, रशिया, UK, जापान, इंडिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन और अब फाइनली अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट है। ओम बिरला इनॉग्रेटेड 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी, उदयपुर इसका आंसर है। यहाँ पर ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर जो हैं इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, उदयपुर राजस्थान में ओम बिरला ने किया। थीम इसकी है एनहांसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा। विच सिटी होस्टेड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, तो इसका आंसर है गांधीनगर, ऑप्शन ए करेक्ट है। गांधीनगर गुजरात में है, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट है, ठीक है। पहला ही एडिशन इसका हो रहा है गांधीनगर में और वर्ल्ड का पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये एस्टेब्लिश किया गया है जामनगर गुजरात में, ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025, कंजर्वेशन किस चीज़ का, नेचर का कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड की लार्जेस्ट होने वाली है 2025 में और UAE इसको होस्ट करेगा,
यहाँ देखते हैं 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की है ये कंजर्वेशन कांग्रेस, अबू धाबी UAE में इसको कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, IUCN की बात कर लेते हैं तो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट हैं इसके राजन अल मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड SCO समिट 2023, तो SCO समिट 2023 की इंडिया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्चुअल मोड में भारत ने इसको कंडक्ट किया है, 23rd इसका एडिशन हमें देखने को मिला, थीम रखी थी टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। सिक्योर का मतलब है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सिक्योर की फुल फॉर्म रखी गई है, SCO की फुल फॉर्म तो पता ही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर सारी इसकी बेसिक चीज़ें भी दी हुई हैं, तो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, 9 मेंबर्स हैं इसके, कौन कौन से हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जो है ये 9th मेंबर है। ठीक है, अभी रिसेंटली ही इसमें शामिल हुआ है, इससे पहले 8 थे। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, शंघाई 5 के रूप में 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये 5 कंट्रीज थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। ठीक है, 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, जिसके बाद नाम चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही 2017 में शामिल हुए थे और 2023 की समिट जो है ये इंडिया के द्वारा होस्ट की गई। ये सारे मेंबर्स यहाँ पर शो किए गए मैप में, तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। है विच कंट्री होस्टेड 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 कौन सा एडिशन है 76th, और कौन सी कंट्री ने होस्ट की है, तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ देखें कहाँ हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, थीम क्या थी, WHO@75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। भारत की तरफ से एड्रेस किया इसे पीएम मोदी ने। WHO की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1948 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जहां पर ये मीटिंग हुई है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की हेड इसके हैं टेड्रोस अधानोम। विच कंट्री होस्टेड 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश ने इसको होस्ट किया है, कौन सा ये देश है, बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ हुई, ढाका, बांग्लादेश में, थीम इसकी थी पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। किसने पार्टिसिपेट किया, एस जयशंकर ने भारत की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की, तो एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि फोकस करता है ऑन जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ 2016 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023, ये समिट जो है भारत ने इसको होस्ट किया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। पहला एडिशन इसका देखने को मिला अभी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 में, इंडिया ने होस्ट किया नई दिल्ली, फिर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। थीम इसकी रखी गई थी रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फिलोसफी टू प्रैक्सिस। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है पीएम मोदी के द्वारा नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, श्री अन्ना भी इसको बोला गया, हमारे जो बजट में भी इसका जिक्र किया गया था, इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 2023 में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इसे घोषित किया गया है बाय UN जनरल असेंबली और भारत के प्रयासों से ये डिक्लेरेशन की गई थी। विच कंट्री होस्टेड 3rd इन पर्सन क्वाड लीडर समिट 2023, तो इसका आंसर होगा जापान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये पहले होने वाली थी लेकिन फिर जापान में कर दी गई, ऑस्ट्रेलिया का कैंसिल कर दिया गया था। हिरोशिमा जापान में हुई, पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से हमारे पीएम ने किया। क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, 4 कंट्रीज़ हैं ये आप देख रहे हैं, 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अच्छा मैं गलत मार्क कर रही हूँ, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान है और यहाँ पर USA है। ठीक है, 2007 में ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2024 की क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने वाला है, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
विच कंट्रीज गवर्नमेंट लॉन्च द मशीन कैन सी 2023 समिट। ये जो समिट है मशीन कैन सी UAE के द्वारा इसको होस्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके दौरान ही ये समिट को किया गया था। और म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर जो है दुबई में, ये देखा होगा ना आपने काफ़ी, तो यहाँ पर इसको ये समिट को किया गया है। पीएम मोदी एड्रेस्ड वन वर्ल्ड टीवी समिट इन विच सिटी, इसको जो है वाराणसी में पीएम मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया है वन वर्ल्ड टीवी समिट। हु इनॉग्रेटेड 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। रायसीना डायलॉग जो हर साल होता है नई दिल्ली में, इसका 2023 में सेकेंड एडिशन हमें देखने को मिला, इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये यही चीज़ लिखी हुई है। फिर चीफ गेस्ट याद रखना है आपको कौन थी इसमें, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई थी। ऑर्गेनाइज कौन करता है, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दोनों के द्वारा मिलकर उसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्या है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। फिर रायसीना डायलॉग है क्या, तो बेसिकली ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इसको होस्ट किया दुबई ने। इस समिट के जरिए जितने भी दुनिया भर के लीडर्स हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, वो एक साथ आते हैं और अपने डेवलपमेंट के टूल्स को शेयर करते हैं, पॉलिसीज़ और मॉडल्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। होस्ट किया दुबई ने, थीम इसकी है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज़ अलायंस धरा हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो धरा है क्या है, पहली बात तो एनुअल मीटिंग है रिवर सिटीज़ अलायंस की, और ये किस सिटी में हमें देखने को मिली, तो पुणे में ये मीटिंग जो है ये हुई थी। धरा की फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, रिवर सिटी अलायंस है एक तरह का। एनुअल मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाती है बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। एड्रेस किसने किया इसको, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने किया, जो कि फिलहाल है गजेंद्र सिंह। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है ये हमें देखने को मिली नागपुर में, ठीक है। एडिशन आपको याद रखना है 108th है। इनॉग्रेट किसने किया, पीएम मोदी ने किया। थीम इसकी है साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेंस एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2023। धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कौन सा एडिशन, 7th एडिशन, और इसको इनॉग्रेट किया द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट ने। कहाँ पर यह हुई ये भी आपको याद रखना है, भोपाल MP में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस इसको गोवा में कंडक्ट किया गया, 23rd नंबर की थी ये, और गोवा के गवर्नर जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। 49th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। GST काउंसिल आपको पता है एक संवैधानिक संस्था है जिसको क्रिएट किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, उसी की हमेशा मीटिंग होती रहती है। हम देखते हैं 49th मीटिंग इसकी जो हुई है उसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो GST काउंसिल की मीटिंग है इसे चेयर कौन करता है, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो इसको चेयर करते हैं। फिलहाल कौन है, निर्मला सीतारमन है। कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। GST काउंसिल मैंने पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के जरिए इसको शामिल किया गया था, और ये संवैधानिक बॉडी है तो संविधान में कहाँ पर शामिल है, संविधान के आर्टिकल 279A के तहत इसको शामिल किया गया। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है इसको फिजी में कंडक्ट करवाया गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इनॉग्रेट किया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और फिजी के PM सितिवेनी राबुका ने। और वर्ल्ड हिंदी डे ये कब होता है, 10 जनवरी को होता है, ये भी याद रखिएगा। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ये कहाँ पर हुई है, जयपुर में, और ऑर्गेनाइज किसने किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज पेरिस बेस्ड ये एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन है, तो इसने कंडक्ट किया। साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हमारी RPF जो है, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इसकी है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर।
विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो पहली I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग इसको UAE के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, I2U2 क्या है, इंडिया इसराइल UAE और USA वेस्टर्न क्वाड भी इसको बोलते हैं, इन कंट्रीज़ का एक नया ग्रुपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया, 17th एडिशन है इसका। थीम रखी गई डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इनॉग्रेट किया इसे PM मोदी ने। 27 इंडियन ओवरसीज अवार्ड भी इसमें दिए गए विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 हेल्ड इन विच सिटी। तो एनुअल मीटिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होती है वो कहाँ पर देखने को मिली, दावोस में। 53rd एडिशन है इसका WEF की मीटिंग का, दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। थीम इसकी है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। WEF के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में ही इसका और प्रेजिडेंट हैं बॉर्जे ब्रेंडे। और अब आगे 2022 में जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिली थी उनका रिविजन कंटिन्यू करते हैं। 7th एडिशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 हेल्ड इन विच सिटी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 इसका 7th एडिशन कहां पर हुआ है, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। थीम इसकी देख लीजिए जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। समिट जो है को होस्ट की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि है एस जयशंकर और कार्नेगी इंडिया। विच कंट्री होस्टेड 2022 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस जो है कनाडा में कनाडा के द्वारा होस्ट की गई है 2022 की यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, COP 15 इसको कहा गया है और हेल्ड कहाँ पर हुई, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। विच कंट्री विल होस्ट 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2024। 2024 की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13th नंबर की है, कहाँ पर इसको ये होने वाली है, तो UAE में। WTO का देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसकी, 1995 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल की बात करें तो नगोजी ओकोंजो इवेला इस समय DG हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड एट, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया, इस समय कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम इसकी याद रखिएगा रीस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। कंट्री होस्टेड 19th इंटरपोल जनरल असेंबली। इंटरपोल जनरल असेंबली 19th होस्ट की गई भारत के द्वारा, ठीक है, और कहाँ पर, भारत में भी, नई दिल्ली में। इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म, 1923 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में, प्रेसिडेंट है अहमद नासिर अल रईसी। इंडिया 68th कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है इंटरपोल का इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री होस्टेड COP 27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। COP 27 इसको होस्ट किया इजिप्ट ने और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया भूपेंद्र यादव ने जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैं। COP 28 ये UAE के द्वारा होस्ट की जाएगी। यहाँ पर कुछ की फाइंडिंग्स हैं इसकी जो हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है। COP 27 या फिर 2022 की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, शर्म अल शेख इजिप्ट में। पार्टिसिपेंट कौन थे, तो UNFCCC के जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। UNFCCC इसकी फुल फॉर्म है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट आउटकम्स देखें इसके क्या निकल कर आए, तो COP 27 ने इस्टेब्लिश किया है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, किस लिए, टू कंपनसेट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज फॉर डैमेजेस फ्रॉम क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स। और इसके अलावा अवेयर जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। अवेयर क्या है, एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव, किस लिए, टू एड्रेस द वाटर सिक्योरिटी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है COP 27 से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखिए, तो इन आर लाइफ टाइम कैंपेन इसे लॉन्च किया है इंडिया और UNDP ने मिलकर एट COP 27। ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड ये भी COP 27 में ही G7 कंट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल शील्ड किसके द्वारा, G7।
उसके बाद है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, COP27 में ही है, यूएई और इंडोनेशिया की एक पहल है, ठीक है। और इसमें अदर मेंबर्स हैं इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। विच कंट्री विल चेयर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई फॉर 2022-23? ये जो है इंडिया, इसकी अध्यक्षता करने वाला है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई की, इंडिया चेयर करेगा 2022-23 के लिए। ये क्या है, जीपी एआई एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नया ही एक इनिशिएटिव है, 2020 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है और टोटल मेंबर्स अभी कितने हैं, 25 हैं। विच कंट्री होस्टेड 48th G7 समिट 2022? G7 समिट जो है जर्मनी में हुई थी 2022 में, 48th नंबर की थी। अगर हम 21 की बात करें तो यूके में हुई थी 2022 में जर्मनी, और 23 में होने वाली है जापान में। यह है G7 के बारे में, ग्रुप ऑफ सेवन। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, 7 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्टिसिपेंट है। और ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, जूस पिलाकर GF को, है ना, इससे याद रखिए। विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट 2022? बिम्स्टेक समिट 2022 की नेपाल, श्रीलंका ने होस्ट की थी, और इसकी थीम रखी गई टूवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। बिम्स्टेक के बारे में यहाँ देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 7 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। 118th बायलेटरल मीटिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन विच सिटी? ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, और इसी को लेकर समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं। आप नंबर ही देख सकते हैं, 118वीं थी, तो इसको कंडक्ट किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसमें पाकलदुल और लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं चिनाब रिवर पर भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इनको लेकर डिस्कस किया गया था। ये आप इंडस वाटर पूरा ड्रेनेज सिस्टम देखिए इंडस रिवर का, और इसी को लेकर, ये सारी नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी हुई थी 1960 में, ठीक है। ये जो है इंडस रिवर और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया। ईस्टर्न रिवर जो है ब्यास, रावी, सतलुज, उनका कंट्रोल भारत को दिया गया। वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडस, झेलम, चेनाब, इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत इसमें डैम और इरिगेशन सिस्टम के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। बस वो डैम ऐसे नहीं होने चाहिए जो पानी को स्टोर करे, ठीक है। तो ये ट्रीटी थी जिसको लेकर समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं। ये आप सारी वही नदियाँ देख रहे हैं, ये येलो में जो नदियां हैं भारत का कंट्रोल है, ब्लैक वाली में पाकिस्तान का कंट्रोल है। हेली इंडिया समिट 2022 हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी? तो ये जम्मू कश्मीर में ये ऑर्गेनाइज किया गया, हेली इंडिया समिट 2022 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ। इनॉग्रेट किया इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। थीम इसकी रखी गई थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। विच सिटी होस्टेड 13th फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022? ये समिट नई दिल्ली में होस्ट, नई दिल्ली के द्वारा होस्ट की गई, और इसे इनॉग्रेट किया हमारे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। थीम इसकी थी एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन। विच कंट्री होस्टेड UNCCD COP15? ये जो है COP15 हुई इसकी आइवरी कोस्ट में। UNCCD क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका 15th सेशन था, इसीलिए इसे COP15 कहते हैं। आबिदजान आइवरी कोस्ट में हुई। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया भूपेंद्र सिंह यादव ने, जो कि हमारे हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर। UNCCD COP14 लास्ट टाइम वाला कहाँ हुआ था, 2019 में इंडिया में। विच कंट्री होस्टेड APEC समिट 2022? APEC समिट हुई थाईलैंड में। APEC है क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। 21 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया शामिल नहीं है, ठीक है। तो APEC का सदस्य भारत नहीं है। 2023 में ये यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला है। विच कंट्री हैज होस्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? ये समिट होस्ट की है इंडिया ने 2022 में, इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट की गई। थीम थी इसकी टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। WSDS
यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसे ऑर्गेनाइज किया टेरी ने। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। विच कंट्री विल होस्ट COP26 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? COP26 ये इजिप्ट के द्वारा होस्ट की गई। इंडिया ने लॉन्च किया है ई अमृत पोर्टल, जिसे नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया, और इंडिया और यूके ने लॉन्च किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी COP26 के दौरान ही किया गया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो COP26 यूएन क्लाइमेट समिट, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें अनाउंस किया कि इंडिया अचीव करेगा नेट जीरो एमिशन बाय 2070। पीएम ने इसमें पंचामृत का मंत्र दिया, यानी कि 5 टारगेट्स दिए, और ये 5 टारगेट्स कौन से हैं? 2030 तक इंडिया इंक्रीज करेगा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट। दूसरा है कि बाय 2030 50% एनर्जी नीड्स जो हमारी हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी करेंगे। 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन रिड्यूस करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 2030 तक हमारा ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकॉनमी ये 45% तक कम किया जाएगा। और लास्टली 2070 तक इंडिया अचीव करेगा नेट ज़ीरो एमिशन। आप लोगों के लिए, विच कंट्री होस्टेड 17th G20 समिट 2022? 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022, इसकी मेजबानी किसने की है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, इंडिया, जापान या फिर मलेशिया। इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ होता है हमारी वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।